हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये देखिए फेवरेट शेयर है डॉली खन्ना जी का एंड आशीष कचोलिया जी का। तो ये शेयर बाइंग रेंज में आ चुका है, मतलब ये दोनों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये मान के चलिए भैया बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडियन शेयर मार्केट के। तो डॉली खन्ना जी, आशीष कचोलिया जी का ये जो शेयर है बाइंग रेंज में आ चुका है। क्या है वो बाइंग रेंज, क्या है वो सपोर्ट, और इतनी गिरावट इसमें जो चल रही है वहाँ पर बहुत बढ़िया लेवल्स पर आ चुका है, और बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट से इस शेयर में अच्छी खासी टारगेट प्राइस दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में, कौन सा है ये शेयर, कितना परसेंटेज होल्डिंग है डॉली खन्ना जी आशीष कचोलिया जी का इसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए ये शेयर कोई और नहीं नौसिल है, नौसिल लिमिटेड। नौसिल लिमिटेड अगर आप देखें, आशीष कचोलिया जी का 4.04% होल्डिंग है, डॉली खन्ना जी की 1.95% होल्डिंग है। ज़बरदस्त होल्डिंग है, सस्ते में आता है तो खरीद लेते हैं ये लोग इस स्टॉक को, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा हुआ है, होल्डिंग करके रखी हुई है। अब आगे बात करते हैं, देखिए नौसिल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए। नौसिल रबर केमिकल की दुनिया का ज़बरदस्त स्टॉक है, और रबर केमिकल कहाँ पे आता है, जैसे कि टायर इंडस्ट्री में यूज होता है मेनली, और भी कई जगह पे रबर जो यूज होता है तो रबर केमिकल जो बनाता है वो नौसिल है। तो इसलिए नौसिल अपनी इंडस्ट्री में, अपने सेगमेंट में बढ़िया स्टॉक माना जाता है, और इंडिया में ही नहीं ग्लोबली रिकॉग्नाइज टेक्निकल कैपेबिलिटी वाला स्टॉक है नौसिल। तो ये देखिए, अगर हम इसके बात कर रहे हैं तो आनंद राठी जी एक टॉप के एनालिस्ट हैं, उन्होंने नौसिल को जो है बाय रेटिंग दी थी, 210 का टारगेट प्राइस भी दिया था साथ में। और अगर हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की, उन्होंने भी नौसिल को कुछ टाइम पहले बाय रेटिंग दी थी और 225 का टारगेट दिया था। और अगर हम और आगे देखें, देखिए प्रभुदास लीलाधर जी हैं, जो उन्होंने 270 की टारगेट प्राइस दिया था, मतलब आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के अच्छा खासा टारगेट दिया था, और उसके प्रॉपर रीजंस भी बताए थे कि क्यों इतना बड़ा टारगेट दिया है उन लोगों ने। चलिए अब हम थोड़ा नौसिल का अगर देखें, डिटेल्स देखें, देखिए नौसिल अगर आप देखें एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और 140 रुपये पर आके बंद हुआ। बुक वैल्यू 65 रुपये की ज़रूर है, स्टॉक का पी रेशियो 11.64 है, काफ़ी मतलब सही वैल्यूएशन पे आ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले बहुत ऊपर था ये शेयर, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 26% रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए 17-18% सेल्स ग्रोथ, 11%, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। और सबसे मेजर बात है, ये स्टॉक डेट फ्री शेयर है, इसलिए मुझे भी ये पसंद है। डेट फ्री शेयर, 5 करोड़ का मात्र डेट है इस पर, और अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज़ का, तो सारी फंडामेंटल्स मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला शेयर है, और डिविडेंड यील्ड भी 1.77% की है। और आज की डेट में अगर हम सिंगल डे आज देखें इसका, आज नहीं पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली, जैसा कि केमिकल सेक्टर या स्टॉक जो कि कार्बन एंड ऑल से रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे ग्रेफाइट इंडिया, HEG, फिलिप्स कार्बन, सब में गिरावट है। तो नौसिल भी देखिए बिल्कुल निचला, आज इसने 135 के लेवल तक गया था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक किया है इसने। और अगर पिछले 5 साल का प्राइसिंग देखें तो बिल्कुल जो इसकी ट्रेंड लाइन थी, पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसके अराउंड ये ट्रेड कर रहा था, फिर वहाँ से गिरा, अभी जब 2018 में जब क्रैकडाउन हुआ, देखिए 2018 से अब तक का जो इसका हाई बना था 236 का था, 236 के हाई के बाद इसमें गिरावट आई, और ये शेयर अभी 140-135 के राउंड जा रहा है, जो ये ट्रेंड लाइन है इसके आसपास जा चुका है। तो यहाँ से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बाउंस बैक जरूर होगा, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो ये एक बाइंग लेवल आ चुका है फर्स्ट लेवल का, और इसके बाद जो नेक्स्ट बाइंग लेवल है वो है 110 के रेंज का। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके उसके बाद अगला बाइंग रेंज 82 का, इन 2-3 रेंज को देख के, इन सपोर्ट्स को देख के यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे जमा कर सकते हो। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके पीछे लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, तो ये रीजन्स होते हैं इनके बाई करने के लिए। अगर हम नौसिल की बात करें तो देखिए नौसिल की अगर डिटेल देखें, देखिए 140 रुपये के अराउंड है, 3.60 रुपये के अराउंड का 1% इतना गिरावट आज इसमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 5 रुपये के अराउंड का गिरावट आज की डेट में देखने को मिला, और फिर भी बाई प्राइस देखिए, बाइंग रेंज उसकी जो दे रही है कि सेंटीमेंट्स, बाइंग सेंटीमेंट्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे LNT के बहुत सारे फंड्स हैं, PNB पेरिबास के फंड्स हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम इसका डिविडेंड देखें तो देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है, टाइम टू टाइम देख लीजिए, अभी लास्ट जो डिविडेंड 2018 में दिया था 2.5 रुपये का दिया था, उससे पहले 1.80 रुपये का दिया था, तो इस तरीके से टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी जो गिरावट के टाइम पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस शेयर में बाइंग की, और एक साथ जब भी स्टॉक गिरता है तो कभी भी शेयर में आप एक साथ एंट्री मत लीजिए, धीरे धीरे करके कुछ कुछ, जैसे आपको 100 शेयर लेने हैं तो 25 25 25 करके लीजिए,
जैसा भी ग्रेफाइट इंडिया एंड एचईजी में अगर आपने एक साथ पहले ले लिया होता तो आपको काफ़ी लॉस हो चुका था, और वैसे ही जब प्रॉफिट बुक करना होता है तब भी धीरे धीरे करके उस प्रॉफिट बुक कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।